अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि विंडोज 11 में हिंदी में टाइप कैसे करते हैं। दोस्तों, मैंने विंडोज 10 में हिंदी में टाइप करने के बारे में बता रखा है। अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। विंडोज 11 में विंडोज 10 से कुछ सेटिंग अलग हो गई है, इस कारण कुछ भाई फोन को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण आपको के बारे में पूरा विवरण दोबारा विंडोज 11 में बता रहा हूँ। चलते हैं स्क्रीन की ओर। दोस्तों, सबसे पहले आपको सर्च में जाकर सेटिंग टाइप कर इसे ओपन कर लेना है। आपके सामने ऐसी स्क्रीन आने के बाद आपको साइड में टाइम एंड लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, इसे ओपन कर लेना है। जैसे आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से आपको टाइपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, इसमें आप चाहे तो ऑटो करेक्ट नेक्स्ट वर्ड को ऑफ कर सकते हैं। इस कारण से क्या होता है कि कुछ वर्ड ऑटो करेक्ट की वजह से राइट होते रहते हैं, इस कारण हमें बार बार टाइप करने में परेशानी आती है। आप चाहे तो इसे भी बंद कर सकते हैं, मैं अभी इसे रहने देता हूँ। और फिर आपको नीचे लैंग्वेज एंड रीजन पर क्लिक करना है। फिर आपको इसमें एक ही भाषा दिख रही होगी, इंग्लिश यूनाइटेड। हमें इसमें हेड इन लैंग्वेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर हिंदी लिखकर सर्च मारना है। इसके बाद नीचे हिंदी लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे कि आपके कंप्यूटर में नेट चालू होना चाहिए, उसके बाद ये प्रोसेस होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन ही डाउनलोड होके इंस्टॉल होगा, इसलिए आपके कंप्यूटर में नेट ऑन रहना चाहिए। जब हिंदी कवा आ जाए तो आप इसे क्लिक कर दे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। फिर आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, इसमें आपको देख लेना है कि इन तीनों पर टिक मार्क लगा हुआ है या नहीं है। नहीं लगा हुआ है तो आप इन तीनों पर टिक मार्क कर दे। और नीचे अगर आप हिंदी में अपने डेस्कटॉप की लैंग्वेज करना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे डेस्कटॉप पर इंग्लिश ही चाहिए, इसलिए मैं इस पर टिक मार्क नहीं लगा रहा हूँ और इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और इसे इंस्टॉल कर देते हैं। आप जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉन्ट पेंडिंग दिखा रहा है। कुछ देर बाद ये डाउनलोड होने लग जाएगा और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा, जब तक हम इसे स्पीड से रन कर देते हैं। जब ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने हिंदी लिखा हुआ आ जाएगा और हमारा हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट हो गया है। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि एक सेटिंग और करनी है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद हमने जो कीबोर्ड की इंस्टॉल की थी वो इनसेट वाली थी। अगर आपको इनसेट में टाइप आती है तो आप इस कीबोर्ड की सहायता से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, लेकिन बहुत भाइयों को हिंदी में टाइप करना नहीं आता है, इसलिए हमें ऐड ए कीबोर्ड पर क्लिक करना है और हमें हिंदी फोनेस्टिक कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे ऐड कर लेना है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन हिंदी के आ गए हैं, इसके बारे में अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा। अब हमारा हिंदी में फॉन्ट इंस्टॉल होकर डाउनलोड हो गया है। अब मैं आपको वर्ड में टाइप करके बता देता हूँ। अब हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जब वर्ड ओपन हो जाए तो आपको नीचे साइड में ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करें और आपके सामने जो इंग्लिश के फॉन्ट इसमें इंस्टॉल थे और जो हमने हिंदी के फॉन्ट इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ ओपन हो जाएंगे। अब हमें हिंदी में टाइप करना है तो हमें हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस तरह आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है तो। अगर आपको हिंदी में टाइप नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और हिंदी फोनेस्टिक पर क्लिक करेंगे और इसे इंटर कर देते हैं। अब मैं इंग्लिश में टाइप करूंगा अजमेरा। अब नीचे आपको देख लेना है कि अजमेरा कौन सा है। इसमें इंग्लिश में टाइप करते हैं तो ये हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। इस तरह आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, विंडोज 11 में एक और हिंदी में टाइप करने का सबसे बड़ा फंक्शन दे रखा है। अगर आप इस तरह सेटिंग कर लेंगे तो आप वॉइस के द्वारा भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की आती है विंडोज की प्लस एच। जैसे ही आप विंडो की और एच प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा आइकन आ जाएगा। फिर आपको हिंदी सेट कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। अजमेरा टेक की तरफ से
से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों इस तरह आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों हिंदी में टाइप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। इस तरह आप हिंदी में फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आप बोल बोल कर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन बोल बोल कर जब हम टाइप करते हैं तो कुछ त्रुटियां रह जाती है, जिस कारण उनको सही करना होता है। इस कारण आपको हिंदी में टाइप आना ही चाहिए। दोस्तों मैंने विंडोज 11 में हिंदी में फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे टाइप करते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया है। इस तरह आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं और बोल बोल कर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपके विंडोज 11 में पहले हिंदी में फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ही आप बोल बोल कर टाइप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने विंडोज 10 में कैसे 4-5 वीडियो बना रखे हैं, लगभग सेटिंग एक जैसी होती है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इन्हें आप हिंदी में टाइप करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज 11 में ये एक शॉर्टकट की दी हुई है कि आप विंडोज की प्लस एच प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा आइकन आ जाएगा और आप हिंदी में बोलकर भी टाइप कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फीचर्स है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।